नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। रामचरितमानस पर छिड़ा विवाद पूरी तरह सियासी रंग अख्तियार कर चुका है। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद के लगातार नए नए बयानों की आंच से यूपी की राजनीति गर्माती जा रही है, तो वहीं इस विवाद पर स्वामी प्रसाद पर चौतरफा हमले भी हो रहे हैं। साधु संतों में स्वामी प्रसाद को लेकर खासा आक्रोश है। हाल ही में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भी स्वामी प्रसाद की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने वाले को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। साधु संतों में रोष है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम नहीं है। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा। वही महंत राजूदास के इनाम घोषित करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सर तन से जुदा करने का सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में सपा नेता स्वामी प्रसाद ने लिखा कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही है। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने पहले स्वामी प्रसाद के बयान से किनारा कर लिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जहां एक तरफ सपा ने गहमा गहमी को और हवा दे दी है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये विवाद आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।